morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Now we are muting all. Good morning, sir. Okay, good morning. Now we are muting all. And let's start with a new topic today. आज का टॉपिक हम लोगों का कैल्केरिया सल्फ है. हम लोग पिछले कई एक दिनों से कैल्केरिया ग्रुप में हम लोग हैं. आज कैल्केरिया सल्फ एक इस ग्रुप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा के रूप में हम लोगों के सामने में आज इसका हम लोग अध्ययन करेंगे. साथियों, कैल्केरिया का जो पर्सनैलिटी है, जैसे मैंने हम लोगों ने देखा था, ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी दो प्रमुख चीज है. और सल्फर का जब आप सिक्योरिटी पर सिचुएशंस देखेंगे तो सल्फर एक्सप्लोरेशंस, खोज है ना, एक नया विस्तार करना, तो दो अपोजिट पोल. एक है कि सुरक्षा रखना और अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशंस में रखना, और सल्फर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एक विस्तार करना, एक एक्सपैंड करना और ये आगे बढ़ना. ये दो चीज का जब एक साथ में कॉम्बिनेशन होता है तो जो पर्सनैलिटी बनेगी वह पर्सनैलिटी को हम लोग कैल्केरिया सल्फ कह सकते हैं. कैल्केरिया सल्फ जो है तो डॉक्टर सुसलर का रेमेडी का माना जाता है, और डॉक्टर सुसलर ने ही इस पर ज़्यादा काम किया था. इसे कनेक्टिव टिश्यू सॉल्ट भी कहते हैं, और इसका जो अधिकांश जो इसके क्लिनिकल एक्सपीरियंस हैं वह डॉक्टर सुसलर के बायोकेमिक थेरापी के आधार पर ही है, क्योंकि इसके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स के विषय में जानकारी नहीं है. और लेकिन ऐसा पाया गया है कि साइलिसिया और नेट्रम फॉस के बीच में इसका सिम्टम्स हुआ करता है ना. साइलिसिया वो भी एक बिल्डिंग मटेरियल है और नेट्रम फॉस क्लीनिंग मटेरियल है, तो दोनों के बीच का लक्षण इसके अंदर में आपको दिखलाई पड़ेगा. इसे हम लोग सल्फेट ऑफ कैल्शियम, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और CaSO4 टाइट्रेशंस के रूप से हम लोग इसको जानते हैं. जो कैल्केरिया का जो सबसे बड़ा टेंडेंसी है विस्फोट. विस्फोट का मतलब कि बढ़ना, जो मैंने बताया कि आगे बढ़ना, ये विस्फोटक टेंडेंसी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. और विस्फोटक कंडीशन जहाँ की बॉडी में एब्सेस कहीं पर बन रहा हो तो वहाँ पर कैल्केरिया फॉस का, ये कैल्केरिया सल्फ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू फॉर्म द एब्सेसेस एक इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम्स बनता है. और शरीर के किसी भी भाग में, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर, लेकिन शरीर के किसी भाग में जो है. सो स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ दिस रेमेडी इज टू क्विट एंड इट इज सिमिलर टू द पायरोजिनम. पायरोजिनम में भी आप देखते होंगे कि वहाँ पर एक सड़न गलन हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए काम में आता है. कैल्केरिया सल्फ भी किसी भी घाव को सुखाने के लिए और ठीक करने के लिए ये काम आता है. अगर आप तीन दवा को होम्योपैथिक मेट्रामेडिका में देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो तीनों में बहुत कुछ सिमिलरिटी नज़र आएगा. उसमें कैल्केरिया सल्फ है, हीपर सल्फ है और फिर पायरोजिनम है. पायरोजिनम आपका नोसोर्स ग्रुप में आ जाता है. कैल्केरिया सल्फ जो है सो आपको केमिकल ग्रुप में आ जाता है, और हीपर सल्फ जो है सो वो मिनरल ग्रुप में आ जाता है. केमिकल और मिनरल में थोड़ा सा फर्क है. ये कैल्केरिया सल्फ एक रिफाइंड होता है और हीपर सल्फ जो है सो एक क्रूड फॉर्म का होता है. तो कैल्केरिया सल्फ के सिम्टम्स को हीलिंग टेंडेंसी में और घाव को सूखने के टेंडेंसी में हीपर सल्फ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ज़्यादा एक्सट्रीम माना जाता है. लेकिन हीपर सल्फ के थोड़ी सी सेंसिटिविटी जो है सो उससे कैल्केरिया सल्फ की सेंसिटिविटी से कम होती है. कहते हैं कि इट डिफर्स फ्रॉम द हीपर इन सेंसिटिवनेस टू एयर. हीपर कैन नॉट बियर द स्लाइटेस्ट एक्सपोजर. कैल्केरिया सल्फ को जो है सो ओपन एयर में और बेटर वॉकिंग में या दोनों इसको बहुत पसंद है, और चेंज ऑफ वेदर से एग्रेवेट करता है. तो ये कैल्केरिया सल्फ के साथ में और हीपर सल्फ के साथ में सिम्टम सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा लक्षणों का,
तो हीपर सेल्स जो है सो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एयर के लिए स्लाइटेस्ट एक्सपोजर से बढ़ जाता है, लेकिन कैल्केरिया सेल्स को खुला हवा में चलने से आराम मिलता है। इसको तभी बढ़ता है जबकि इसको चेंज ऑफ वेदर और ड्राफ्ट ऑफ वेदर है, और कैल्केरिया सेल्स में उतना ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है जितना कि हीपर सेल्स में है टच के प्रति, छूने के प्रति। हीपर सेल्स के पेशेंट आपको जल्दी छूने नहीं देंगे, कैल्केरिया सेल्स के पेशेंट को आप थोड़ा सा वहाँ पर हाथ आप रह सकते हैं और आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं। कैल्केरिया सेल्फ हल्के से हवा के झोंका में चलने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हीपर सेल्फ को हवा का स्लाइटेस्ट मोशन जो है सो उसको बर्दाश्त नहीं होता है वो कैल्केरिया सेल्फ का। बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण इसके अंदर में है, उसे हम लोग मेंटल सिम्टम्स के रूप में है, फियर ऑफ बर्ड्स। शायद ही कोई ऐसा दवा है जिसमें कि आपको चिड़ियों से, पंक्षियों से डर लगता हो, और ऐसा लक्षण सभी लोगों ने अध्ययन नहीं किया है। ये कई एक कभी मेट्रामेडिका में आपको मिलेगा जहाँ की फियर ऑफ बर्ड्स आपको दिखलाई पड़ेगा कैल्केरिया सेल्फ में। इसमें जो सबसे जनरल सिम्टम्स, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इसका आता है वो सपुरेशन, घाव का रिसाव होना, बहना, टेंडेंसी टू सपरेट एंड सपरेशन एंड एब्सेसेस, इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स माना जाता है, है ना। सो बर्ड्स से फियर, सपरेशन से महत्वपूर्ण लक्षण हो जाता है। कॉन्स्टेंट डिस्चार्जेज ऑफ थिक येलो पस, है ना, थिक येलो पस, वेन द एब्सेस हैज ब्रोकन और हैज बीन लंच्ड एंड इज डिस्चार्जिंग देन कैल्केरिया सेल्फ कम्स इन, है ना। जैसे ही अगर पीला रंग का घाव निकल रहा है, टूट घाव फट गया है या उसे थोड़ा सा छुरी लगा है तो वहाँ से पीला स्राव आपको निकलने लगता है, यह कैल्केरिया सेल्स के लिए लक्षण होता है। द प्रेजेंस ऑफ पस विथ ए वेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेशन, कहता है कि पस के साथ में और बहाव होना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेशन है। बॉयल्स, एब्सेसेस, उन्स, फिस्टूला, साइनस, कहीं से भी टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, पुरुलेंट डायरिया, है ना, ऐसा डायरिया जो कि पस के जैसा है, सपुरेशन ऑफ रेनल ट्रैक्ट, है ना, इम्पायमा, विबोज, कार्बंकल्स, गनोरिया, निमोनिया, ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, अल्सर, इन ऑल केसेस सपुरेशन व्हेन द डिस्चार्ज इज कंटिन्यू टू लॉन्ग, काफी दिन तक अगर हो रहा है तो वहां पर हम लोग कैल्केरिया सेल्फ को सोच सकते हैं। ये माथुर, के एन माथुर की किताब में बहुत स्पष्ट रूप से, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है के एन माथुर का और उन्होंने इस बात को वहाँ पर लिखा है। डॉक्टर डीवे का भी इंडिकेशन आपने देखा कि ये सपरेशन में या डिस्चार्ज, कंटिन्यू डिस्चार्जेज में इसका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ये जनरली वार्म ब्लडेड पर्सन है, यानी कि इनको ठंडा चाहिए, गर्म से इनका कष्ट बढ़ता है। वर्स फ्रॉम बीइंग ओवरहीटेड फ्रॉम वार्म रैप्स, वार्म रूम, वांट ऑफ टू अनकवर, कपड़ा हटाना चाहता है, और बेटर इन ओपन एयर कैल्केरिया सेल्स के पेशेंट हुआ करते हैं। और इन्हें आराम कैसे मिलता है, ठंडा से आराम मिलेगा, नहाने से आराम मिलेगा और चेहरे को धोने से आराम मिलेगा, ना, ये सब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के अंदर में कैल्केरिया सेल्फ का आता है। ससेप्टिबिलिटी टू बोथ हीट एंड कोल्ड, डॉक्टर केंट ने पाया कि ये जो पेशेंट होते हैं वो हीट और कोल्ड दोनों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, लेकिन ये वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड पेशेंट में भी ये टेंडेंसी हुआ करता है कि दे आर ससेप्टेबल टू बोथ हीट एंड कोल्ड। इनका कष्ट जो है सो भींगने से, पानी में भींग जाने से, बरसात के मौसम में बरसात से बाहर निकले हैं तो वहाँ पर भींग जाने से इनके कष्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं। यह कैल्केरिया सेल्फ के लिए अब हम लोग को सोचना पड़े चाहिए। इनके जो जो चेहरे पर लगता है कि गर्मी, हीट के जैसा, है ना, हीट का झोंका, हीट का फ्लशेस के रूप में आपको चेहरे पर महसूस करते हैं रोगी, और खास करके खाना खाते समय में, खाना खा रहे हैं चेहरा लग रहा है कि तमतमाया हुआ है, गर्मी से गर्म हो रहा है, ऐसा महसूस किया करते हैं पेशेंट, ठीक है। और इनका जो जनरल एग्रेवेशन है, सभी कष्ट इनके फिजिकल एक्जर्शन से बढ़ते हैं, ये चाहते हैं आराम करना, रेस्ट में रहना इनको काफ़ी पसंद है।
इसका घाव के वैसा घाव और चमड़ा जो कि ठीक नहीं हो रहा हो, है ना, वहां पर कैल्केरिया सल्फ का स्थान आता है। जहां घाव ठीक नहीं हो रहा है, सूख नहीं रहा है, पस का आना बंद नहीं हो रहा है, कंटिन्यू किए जा रहा है, तो वहां पर हम लोग कैल्केरिया सल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्ट डीपर देन हीपर, है ना, आप देखें सेंसिटिविटी के मामले में हीपर सल्फ ज्यादा है, लेकिन एक्शन के मामले में आपको कैल्केरिया सल्फ ज्यादा है। एंड एक्ट आफ्टर दिस रेमेडी सीजेस टू एक्ट, और अगर हीपर सल्फ काम करना बंद कर दिया है तो उसके बाद में आपको ये लग सकता है। और साइलिसिया जो है सो इसके पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि साइलिसिया इस्तेमाल करने के बाद में अगर साइलिसिया से घाव नहीं सूख रहा है तो हीपर सल्फ की ओर जाते हैं लोग, और उसके बाद में कैल्केरिया से। ये लैडर है, है ना, ये आपको लिप्पे का राइटिंग्स में है, और ये इस सपरेशंस को बचाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। यानी कि साइलिसिया, हीपर सल्फ एंड देन कैल्केरिया सल्फ का सीरीज के रूप में लिप्पे ने रिकमेंड किया है। लेकिन हम लोग जब व्यवहार करते हैं तो ऐसा नहीं है, अगर पहले ही हमको जानकारी हो जाती है कि साइलिसिया लेवल का है तो साइलिसिया ही क्योर कर देता है, रिपीट करने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जब रिपीट कर जब घाव ठीक नहीं हो रहा, उसे आराम हुआ लेकिन पूरा तरह से आराम नहीं हो रहा है, तो हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं बॉयल्स, घाव को सुखाने के लिए, है ना, बहाने के लिए, और उसको एबोर्ट कराने के लिए, सेपरेट कराने के लिए, घाव बन गए हैं, पस नहीं निकल रहा है, पस फोड़े बने हुए हैं तो उसको फट जाएगा और घाव बहना शुरू हो जाएगा। इसमें वॉमिटिंग और नौसिया के साथ में अगर कोई सिम्टम्स हो तो वहाँ भी कैल्केरिया सल्फ इंडिकेटेड होता है। येलो कोटिंग एट द बेस ऑफ द टंग, है ना, नेत्र पॉस के जैसा इसका जो बेस ऑफ द टंग है वहाँ पर येलो कोटिंग दिखलाई पड़ेगा। एक्जिमा, इरप्शन हैज येलोइश स्केल्स, है ना, चमड़े जो उसका ऊपर में कवरिंग होता है इसको येलोइश होता है, एंड देयर मेनी पिंपल्स एंड पॉइंट्स ऑफ सपोरेशन कैल्केरिया सल्फ में देख सकते हैं। इनके पेशेंट कोल्ड फाउल फूट स्वेट्स होते हैं। इनके पैर के जो स्मेल होते हैं वो ठंडे होते हैं और वो उसमें फाउल दुर्गंध देने वाला होता है। बट बर्निंग ऑफ एक्जिमा एंड टॉर्पिड ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, इसमें एक्जिमा में टॉर्पिड ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, सिस्टिक ट्यूमर, फाइब्रॉइड, सेपरेटिव प्रोसेस कम विद इन द रेंज ऑफ दिस रेमेडी। आफ्टर पस हैज फॉर्म ए वेंट, म्यूकस डिस्चार्जेज आर येलो थिक एंड लंपी, ल्यूपस वल्गरिस, ये सभी जगह पर इसका इंडिकेशन देखा गया। ये क्लिनिकल सिम्टम्स है। देन बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यू जहाँ है वहाँ पर ये इसका ज़्यादा रोल प्ले करता है। ग्लैंड्स पर इसका रोल बहुत अच्छा है, म्यूकस मेम्ब्रेन और बोन्स और स्किन पर इसके रोल काफ़ी महत्वपूर्ण पाए गए हैं। मोडलिटीज में हमने देखा था ड्राफ्ट ऑफ एयर से बढ़ता है, टच से बढ़ जाता है, कोल्ड वेट वेदर से बढ़ता है, वार्म गर्मी से कष्ट इसका बढ़ता है, वार्म कपड़ा गर्म ढकने से, ओवर हीटिंग से इसके कष्ट बढ़ते हैं, स्टिमुलेंट्स के बाद में किसी भी उत्तेजक चीज उत्तेजना के बाद में इसके कष्ट बढ़ जाते हैं, शाम के समय में, रात्रि में, चलने पर और सोने के समय में, और लंच के डिनर के बाद में इसके कष्ट बढ़ते हैं, और ड्यूरिंग मेंसेस भी इसके कष्ट बढ़ते हैं, और राइजिंग फ्रॉम सीट बैठ करके उठने पर आपको कष्ट बढ़ते हैं। इनको आराम मिलता है ओपन एयर बाथिंग आफ्टर वॉशिंग, ईटिंग, हीट, अनकवरिंग, वार्निंग, डबलिंग अप एंड आफ्टर स्क्रैचिंग में इसको कष्ट जो है सो आराम मिल जाता है। इन्हें मीट और मिल्क और कॉफ़ी पसंद नहीं है, इसके कष्ट मीट मिल्क और कॉफ़ी से नापसंद है। इन्हें ठंडा पेय पदार्थ ज़्यादा अच्छा लगता है, खट्टा खाना पसंद है, सॉल्टी पसंद है, मीठा पसंद है, अल्कोहल पसंद है, फल और फल खास करके खट्टे फल पसंद हैं और हरे फल पसंद हैं, रिफ्रेशिंग थी कोई अप
अपने को मूड को रिफ्रेश करने वाला खाना इनको पसंद है, नमक ज्यादा खाना पसंद करते हैं, स्वीट्स भी पसंद है, सावर भी पसंद है, चाय, वेजिटेबल, वाइन, वाइन क्लैरेट, ये सब इनको पसंद है। यहाँ भी आप देखिएगा कैलकेरिया के जैसा, फॉस के जैसा, यहाँ भी आपको मिल्क से एवर्सन है यहाँ पर, है ना, मिल्क से कष्ट बढ़ जा सॉरी मिल्क से कष्ट बढ़ जाता है। इसके केंद्र बिंदु में है वार्म ब्लडेड पर्सन्स है ना, ये काफी हॉट पेशेंट्स कहलाते हैं, वार्म रूम वार्म रैप से बढ़ना और ससेप्टेबल टू बोथ हीट एंड कोल्ड, टेंडेंसी टू सपरेट, कॉन्स्टेंट येलो ऑफ थिक पस पस विथ ए वेंट, येलोइश डिस्कलरेशंस एंड क्रेविंग फॉर द फ्रूट्स ग्रीन फ्रूट्स एंड मिल्क एग्रवेट, ये इसके केंद्र बिंदु हैं, इसके निक्यूलियस पॉइंट हैं और जहाँ कि आप इसके भी समय दिमाग में इसको रख सकते हैं। तो ये छोटी सी दवा है हम लोगों के मैथमेटिका का, लेकिन ये खास करके घाव के क्लिनिकल कंडीशंस में ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और स्किन के अभी जो रेनी सीजन में छोटे छोटे बॉयल्स निकलते हैं, स्केबीज निकलते हैं, वैसे सब सिचुएशंस में इनका स्थान ज्यादा आता है। जनरली हम लोग स्किन के केस में सल्फर का भी इस्तेमाल किया करते हैं, हम लोग सल्फर के विषय में स्किन के केस में सोचा करते हैं, लेकिन सल्फर का बहुत बड़ा रोल भी है। सल्फर जो है सो उसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है, एक्साइट करने के काम करता है। इसीलिए कैल्केरिया सल्फ में कैल्केरिया ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मददगार के रूप में, सपोर्ट करने के रूप में, प्रोटेक्ट करने के रूप में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में आपको सल्फर यहाँ पर कॉपरेटिव वर्क करता है, और यह इस दवा का एक महत्वपूर्ण बात हुआ करता है। तो ये चीज को हम लोगों को दिमाग में रख करके रखेंगे तो ये कैल्केरिया सल्फ का इस्तेमाल करना हम लोगों के लिए उपयोगी होगा। कैल्केरिया सल्फ को होम्योपैथिकली कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग इसे बायोकेमिक दवा मानते हैं, और बायोकेमिक में, लेकिन बायोकेमिक और होम्योपैथी में बहुत खास लक्षणों का अंतर नहीं है। सिर्फ हम लोग जो पोटेंसी यूज कर रहे हैं, जनरल जो कॉन्सेप्ट है पोटेंसी का, वही खाली फर्क करता है बायोकेमिक और होम्योपैथिक दवा को। इसलिए बायोकेमिक दवा में का जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट जो है सो इस पर अप्लाई नहीं करके, अगर बायोकेमिक में कॉन्सेप्ट यही है कि टिश्यू सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट के कमी और बेसी, एक ही प्रिंसिपल है बायोकेमिक सॉल्ट में, सॉल्ट के कमी और बेसी के आधार पर ही वो काम करता है। इस चीज को हम लोगों को अगर दिमाग में रखते हैं तो हम लोगों को इस दवा का और होम्योपैथी और बायोकेमिक के इस पहलू में, इस दृष्टिकोण से कोई भी नजर, कोई गलत अंतर नजर नहीं आ पाता है। तो इस चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए और इस मेडिसिन्स का प्रयोग हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। कैल्केरिया सल्फ, कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया फ्लोर जो हम लोगों ने देखा, ये तीनों दवा अपने अपने क्षेत्र में है, और अगर इसे एक सीरीज के रूप में देखेंगे तो जब कोई छोटा सा उभार होता है, ट्यूमर टाइप का आता है, तो सॉफ्ट नेचर का जब तक रहता है तो हम लोग उसको कैल्केरिया फॉस के तहत देखते हैं, जब उसमें हार्डनेस आ जाता है तो हम लोग उसको हम लोग फ्लोर के रूप में देखते हैं, और जब उसके अंदर में बहाव आने लगता है, उसके अंदर में डिस्चार्ज शुरू हो जाने लगता है, तो उसे हम लोग कैल्केरिया सल्फ के रूप में देखते हैं। तो हम लोग बायोकेमिक में जो इस कैल्केरिया ग्रुप का जो कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया सल्फ और कैल्केरिया फ्लोर, तीनों को बायोकेमिक के अंदर में रखा गया है, यह आपको बायोकेमिक लेवल पर आपको लो पोटेंसी का के आधार पर किया गया है, क्योंकि बायोकेमिक में एक्स में होने के कारण में डेसिमल स्केल में बने हुए हैं, तो जनरली उसका व्यवहार जो है तो लो पोटेंसी में होता है। लेकिन जब आप होम्योपैथी में इसका इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, हाई पोटेंसी इस्तेमाल करने के लिए ये जरूरी होता है कि सिम्टम सिमिलरिटी आपके साथ में ज़्यादा होना चाहिए, और सिम्टम सिमिलरिटी अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग इसको ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने आज कैल्केरिया सल्फ को काफ़ी सही तरीके से देखने का कोशिश किया है, और यह दवा जो है सो आपको
मिथिला मेडिकल के साथ में आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बार बार आपको दिखलाई पड़ेगा। ये सब प्रैक्टिकल मेडिसिन के रूप में है और क्लिनिक में अधिकांश खास करके स्किन से रिलेटेड केसेस जब भी आएंगे, कोई भी फोड़ा फुंसी घाव से रिलेटेड पोजिशन आएंगे और कोई भी ग्लैंडुलर नेचर के केस आएंगे तो वहाँ पर कैल्केरिया सल्फ का स्थान आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आज इसके साथ में हम लोग अपने इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड